डिटेलिंग के नाम पे तो भैया मुझे कद्दू ना दिख रहा है इसमें कुछ भी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि बनावटी एजेस लग रहा है भैया, मजा टाइम नेचर। तो चलिए गाइस, मैं आपको फटाफट से रियलमी 6i के जितने भी सैंपल्स मैंने, जितने भी फोटोज और वीडियोस लिए हुए, सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। फिर चाहे वो वाइड एंगल हो, पोर्ट्रेट हो, नाइट मोड हो, फलाना ढिमकाना जो भी है, सब कुछ दिखा दूंगा। अगर आप कैमरा सेंट्रिक फोन खोज रहे हो 15,000 या 13,000 में, तो भैया ये वाला मोबाइल आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारा डाउट जो है क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कोई भी आकर आपका क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो। चलो मैं आपको दिखा रहा था एल्बम्स में, मैंने अलग से जो है यहाँ पे सारे सैंपल्स को यहाँ पे क्लिक करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हो ये सारे सैंपल्स जो है मैंने यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में जो है मैंने यहाँ पे 6i से जो है खींचे हुए हैं। तो चलो मैं आपको फटाफट से दिखा रहा था पहला जो फोटो है, ठीक है, ये जो मैंने पहला फोटो क्लिक किया है। अब इस टाइप से आपको समझ दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, कि भैया इसका फोटो क्वालिटी किस टाइप का, जूम भी करके दिखाऊंगा ना इसलिए, ठीक है। तो मान लो ये फोटो जो मैंने लिया था घर के अंदर लिया था, लाइटिंग हल्का फुल्का था, उतना लाइटिंग नहीं था, बल्ब बंद था, जो रोशनी आ रही थी वो बाहर से आ रही थी। तो आप देख सकते हो ये वाले फोटोज की अगर हम बात करें तो हाँ, ये फोटो का डिटेलिंग काफी अच्छा है, एक 48 मेगापिक्सल के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो काफी अच्छा, बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये फोटो में तो ये पास हो जाता है रियलमी 6i, यहां पे डिटेलिंग के मामले में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का फोटो ले रहे हो तो ये पास हो गया, ठीक है। बात करें इसके रियलमी 6i के डब्बे के बारे में, तो जैसे हम जूम करते हैं तो आप देख सकते हो टेक्स्ट वगैरह उतना विजिबल नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, उतना अच्छा सा क्लेरिफाई नहीं है, लेकिन हाँ कलर वगैरह जो है वो काफी अच्छा यहां पे जो है ये प्रोड्यूस किया है और काफी अच्छा यहां पे देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन अभी हमें संतुष्ट नहीं होना, अभी हमें और भी सारे सैंपल्स देखने हैं ताकि हमको भैया अच्छा से अंदाजा तो होना चाहिए भैया अगर हम 6i ले रहे। तो अब ये वाली फोटो की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हो क्लाउड्स वगैरह है जो यहां पर काफी अच्छा डायनेमिक रेंज में कैप्चर किया है, और जो नेचुरल कलर होता है ना स्काई का वो ही दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर दिया, फलाना ढिमकाना कर दिया, वो काफी नेचुरल यहां पे कलर दिखा रहा है, एज यू कैन सी आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फोटो की अगर हम बात करें तो ये मैंने जस्ट एक सेल्फी लिया था मिरर में देख के, तो डिटेलिंग वगैरह यहां भी काफी अच्छा है, यहां पर अच्छे से यहां पर सारा चीज यहां पर मेंटेन कर ले रहा है, कलर वगैरह भी ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, ज्यादा बूस्टेड नहीं हो रहा है। बात करें नेक्स्ट फोटो के बारे में तो भैया इसको छोड़ दो, यहां पर इस फोटो के, जी हाँ इस फोटो के बारे में बात करें तो ये मैंने सेल्फी लिया था और फ्रंट कैमरा से लिया था, रियर कैमरा से नहीं लिया था। ये डिटेलिंग के बारे में बात करें तो ठीक है, डिटेलिंग काफी अच्छी यहां पे भी आ रही है, बुरा नहीं है। तो भैया अगर बुरा नहीं है तो इसमें बुरा क्या है जो आप बोल रहे भैया कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, फिलहाल आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा। बात करें इस फोटो के बारे में तो ये भी फोटो काफी अच्छा है, ठीक है, आप देख सकते हो डिटेलिंग वगैरह अच्छा खासा यहां पर कैप्चर किया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ग्रीन को ग्रीन दिखा रहा है भैया, ज्यादा बूस्ट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फोटो में भी Realme 6i पास हो जाता है। बात करें इस वाले फोटो में, अब यहां से खेला स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हो ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिया, फ्रंट कैमरा से लिया है। आप ये एक चीज देखो, मैंने ब्यूटी प्लस बंद करके ही फोटो लिया था, ऐसे मैंने ब्यूटी प्लस को ऑन रखा था, होठ को थोड़ा सा ज्यादा यहां पर पिंकिश कर दिया है, हो सकता है इट में भी पॉसिबल बहुत सारे लोगों को ये पिंकिश होठ पसंद आएगा, लेकिन मुझे तो भैया फोटो में नेचुरल फोटो ही पसंद आता है। लेकिन अगर हम एजेस वगैरह बात करें पोर्ट्रेट में तो हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे लग रहा है कि बनावटी एजेस लग रहा है, ये मजा टाइम नेचुरल, एक नेचुरल पोर्ट्रेट जो इमेज होता है वो मुझे नहीं लगा है। आगे का सैंपल में बात करूं तो ये मैंने एक फोटो जस्ट लिया था भैया, रूम पूरा अंधेरा करके, तो यहां पे भी डिटेलिंग वगैरह ठीक है, नॉइज वगैरह इस फोटो में भी नहीं है, ठीक है। अब इस फोटो के बारे में बात करें तो ये फोटो मैंने करीबन करीबन 5:30 बजे फोटो लिया था, शाम का वक्त था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत आपको नॉइज जो है यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, मैनेजेबल है इतना तो भैया चलता है। अब 48 मेगापिक्सल से और क्या आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है, ये फोटो भी हो गया भैया, अब ये फोटो भी 5:30 बजे का। अब ये वाला देख लो आप किस तरह से मैंने वाइड एंगल लिया था, एक नॉर्मल में आपको दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है, ये एक नॉर्मल है और ये एक वाइड एंगल फोटो है। तो यहां पे वाइड एंगल में क्या हो रहा है कि वाइड एंगल तो ले रहा है लेकिन डिटेलिंग के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये देख लो पूरा का पूरा काला कर दिया है, और इवन मैंने बहुत कोशिश किया एक्सपोजर को कंट्रोल करके भी फोटो लेने का, लेकिन उतना अच्छा यहां पर रिजल्ट नहीं है। इट में भी पॉसिबल कि भैया आप कर लो, लेकिन मेरे से तो ना हो पाया भैया, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन यहां पे फोटो काला ही आ रहा था। जैसे मैंने नॉर्मल में लिया तो आप देख सकते हो लीव्स वगैरह काफी क्लियर है यहां पे। नेक्स्ट फोटो के बारे में अगर हम बात कर ले भाई लोग तो ये वाला फोटो भी वही है, और इस ये फोटो मैंने डिटेलिंग के लिए खास करके लिया था, नजदीक से लिया था माइक्रो करके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये फोटो भी काफी सही आई है, लेकिन साइड साइड में ब्लर कर दिया है जो कि माइक्रो में होता है।
इस वाले फोटो के बारे में बात करें, वाइड एंगल ये भी है, ये आप देख लो किस तरह का, ये नॉर्मल है और ये वाइड है, तो कैप्चर तो अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिटेलिंग के बारे में बात करें तो डिटेलिंग उतना अच्छा नहीं है। अब ये वाला फोटो मैंने विदाउट फ्लैश लिया था और ये वाली फोटो जो है मैंने फ्लैश में ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैश ऑन करके अगर लेते हो तो डिटेलिंग अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। अब ये देखो इसमें क्या किया है Realme 6i ने, मैंने ऑन किया हुआ था वो क्रोमा बूस्ट कलर होता है ना, वो मैंने ऑन किया था। भैया क्या ही खूबसूरत चेहरा बना दिया, पूरा का पूरा पिंकी से लेडीज टाइप बना दिया मेरे को, इतना भी पिंक भैया ना करो भैया। लेडीज लोग के लिए, आई थिंक गर्ल्स लोग के लिए, गर्लफ्रेंड लोग के लिए ये वाला ऑप्शन काफी अच्छा आएगा कि भैया उनको जबरदस्ती का गोरा बना देगा, लेकिन हमको मजा नहीं आने वाला भैया, इसलिए फोटो को चेंज करते हैं। अब ये वाला सेल्फी मैंने फ्रंट कैमरा ही से लिए हुए, आई मीन सॉरी, ये मैंने सेल्फी लिया है बैक कैमरा से लिया, ठीक है। और यहाँ पे बैक कैमरे का सेल्फी यस अच्छा है, और इस बार थोड़ा सा जो आप देख सकते हो एजेस वगैरह को काफी अच्छा से कंट्रोल किया है, ठीक है। ये वाला फोटो भी अच्छा आया था और ये वाला फोटो भी अच्छा आया था, और लेकिन ये वाला फोटो की बात बारे में बात करें तो दो तीन फोटो मैंने लिया, देखो ये फोटो और ये फोटो, ठीक है। दोनों में क्या हुआ ना कि यहाँ पे आप एजेस वगैरह देख सकते हो धुंधला कर दिया, आप नजदीक से देखो यहाँ पे एजेस जो है यहाँ पे धुंधला कर दिया, मतलब स्ट्रगल करता है पोर्ट्रेट मोड में जब भी आप फोटोज वगैरह लेते हो। इट मे बी पॉसिबल कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कैमरा में जब अपडेट आया तो ये सारा फंक्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे तो भैया मजा टाइप नहीं आ रहा। ये डॉगी है, इसे बैठने रहने देते हैं। ये जूम करके मैंने ले लिया था, ठीक है, 10x करके जूम इसमें दिया गया है। जूम करके मैंने फोटो लिया तो यार पूरा का पूरा फोटो फट रहा है यार। फोटो आना सिर्फ मसला नहीं होता, कम से कम थोड़ा तो अच्छा आना चाहिए था, लेकिन चलो 10x से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, इस चीज को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये भी मैंने एक फोटो लिया था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं रोशनी इतना कम क्यों आ रहा था भैया, अच्छा खासा दिन में लिए थे फोटो है, ये करीबन बज रहा था 4 बज रहा था और रोशनी अच्छी खासी चारों तरफ से आया थी, लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा एक्सपोजर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे काला काला फोटो टाइप आ रहा था। बहुत जगह मैंने देखा स्ट्रगल कर रहा है कैमरा एक्सपोजर को कंट्रोल करने में, बहुत जगह, जैसे कि ये वाला भी जगह देख लो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इट मे बी पॉसिबल कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए। अब ये अंधेरा में मैंने चेयर लिया था, फोटो ठीक ठाक है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, नॉइज काफी ज्यादा इस फोटो में से, हम छोड़ देते हैं। ये दिन के समय मैंने फोटो लिया था। अब ये फोटो में आप देखो डिटेलिंग के नाम पे तो भैया मुझे कद्दू ना दिख रहा है इसमें कुछ भी, ठीक है ना, ये डिटेलिंग के नाम पे कद्दू ना दिख रहा है। फोटो देखने में वालों अच्छा लग रहा होगा आपको, लेकिन हाँ डिटेलिंग के मामले में मुझे तो पसंद नहीं आया। अब ये वाला भैया बात करो तो ये वाला भी आप देख सकते हो, इस साइड में डिटेलिंग की बात तो ठीक है, उतना डिटेल नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगा भैया मैं ऐसी चीजें क्यों बोल रहा हूं, और कैमरा कहीं कहीं अच्छा काम कर रहा, कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा बुरा काम कर रहा है। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो जरूर वीडियो को देखिएगा अगर आप कैमरा के लिए इस फोन को परचेस करना चाह रहे हो तो। ये सारे मैंने फोटोज लिए हैं, आप देख लो ये वाला फोटो भी मैंने लिया, आप देखो यहां पे ठीक फोटो लिया, अब यहां पे काफी अच्छा डिटेलिंग आ रहा है ना, ये देख लो उसका जो स्टीम है वो सारा क्लियर दिख रहा है, जो उसके ऊपर धूप का रोशनी पड़ रहा है वो छोटा सा फूल के ऊपर थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड कर दिया है, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल है ये भी, इसे हम उतना टेंशन नहीं लेने वाला। ये चोरी चोरी चुपके चुपके यहां से कोई देख रहा था मेरे को, देख लो यही जो है ना, क्या बोलिएगा ना भैया, ये सब मतलब ठीक है, हम फोटो ले रहे तो भैया खिंचाओगे तुम, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट फोटो के बारे में बात करें तब ये देख लो भैया जो मैं आपको बोल रहा था ना एक्सपोजर के बारे में, अब देखो ये मैंने नॉर्मल फोटो लिया, ठीक है, नॉर्मल, कोई भी एक्सपोजर को मैंने यहां पे सेट नहीं किया है, आपको दिख रहा होगा यहां पे काला काला है ना, फोटो उतना सा क्लियर नहीं, लेकिन अब इस फोटो में आप देख लो यहां पे मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर को कंट्रोल किया तो जो ऑब्जेक्ट में लेना चाह रहा था, पपीतों को लेना चाह रहा था, वो पपीतों सही तरीके से आया है। तो इट मे बी पॉसिबल यहां पे आपको खुद से कहीं जगह एक्सपोजर को कंट्रोल करना पड़ेगा एक अच्छे क्वालिटीज के फोटोज के लिए। अब ये वाला फोटो मैं बता दो विदाउट फ्लैश लाइट है, पूरा का पूरा अंधेरा था, मैदान में मैं खड़ा था, एक अकेला लौंडा यहां पर वीडियो देख रहा था, मैंने अपना फोटो लिया तो क्लियर आप देख सकते हो, कुछ खास फोटो नहीं आया। लेकिन इस वाले फोटो के बारे में बात करें, ये नाइट मोड में लिया गया है, डिटेलिंग के नाम में कद्दू नहीं है कुछ भी, इसको भी बैक करते हैं। अब ये वाला फोटो जो है मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके लिया था पूरा का पूरा अंधेरा में। हाँ ये फोटो आप बोल सकते हो भैया अंधेरा में आप फ्लैश लाइट ऑन करके जो है फोटो वगैरह ले सकते हो, ठीक है। सेल्फी वगैरह के बारे में बात करोगे तो भैया आप देख लो किस टाइप का सेल्फी आने वाला है, ठीक है ना, उतना खास नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट नॉइज आएगा। और यहाँ पे ये वाला सामने की तरफ जो आपको स्क्रीन में ब्राइटनेस ऑन करके फोटो जो लिवाता है ना, वही वाला मैंने ऑन करके यहाँ पे लिया था। तो ठीक है, मतलब देख लो यार आप क्या बोलो,
पूरा का पूरा नॉइज भरा हुआ चेहरा में, तो नाइट मोड इसीलिए मुझे पसंद नहीं किसी भी कैमरा का। बहुत कम ही ऐसा कैमरा होता है जिसका नाइट मोड अच्छा होता है, इसलिए मैं ज्यादा सैंपल्स लेता नहीं हूं। अब ये वाला फोटो के अगर हम बारे में बात करें तो ये एक फोटो देख लो, ये अंधेरे में लिया गया, कुछ भी फ्लैश लाइट ऑन करके नहीं लिया गया, तो पूरा का पूरा धुंधला, कुछ भी नहीं दिख रहा, अच्छा खासा आदमी अंधा हो जाएगा इसको देख के। ठीक है, अब ये वाला फोटो भी मैंने यहाँ पे नाइट मोड ऑन करके लिया था तो काफी अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते हो डिटेलिंग के नाम पे कद्दू नहीं कुछ भी आया, पूरा का पूरा इमेज यहाँ पे आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हाँ चलो ठीक है, मैनेजेबल है, मैनेज कर लेते इसको भी। लेकिन ये वाला फ्लैश लाइट ऑन करके हमने लिया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठीक ठाक से आया है, लेकिन इतना सा काम नहीं चलने वाला है। फिलहाल यही था सारा सैंपल्स वैम्पल्स जितना भी था मैंने आपको दिखा दिया, और मैं आपको बताऊंगा कि भैया यहाँ पे मैं क्यों आपको रियलमी एक्स आई का कैमरा जो है मुझे उतना अच्छा क्यों नहीं लगा, मैं एट द लास्ट ऑफ द वीडियो जरूर बताऊंगा। वीडियो में बने रहे, फ्रंट कैमरा का और बैक कैमरा का वीडियो का भी सैंपल देख लो फटाफट से, और मुझे जरूर बताना भैया कि आपको रियलमी 6i का कैमरा का सैंपल किस टाइप का लगा है। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो फ्रंट कैमरा से हो रही है, Realme 6i की 1080 क्वालिटी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे देख लो भैया किस टाइप का फुटेज जो है यहाँ पे Realme 6i में मिलेगा। ऑडियो भी जो है Realme 6i से ही हो रही है। थोड़ा सा मैं कैमरा को ऊपर नीचे करता हूँ तो जिससे आपको यहाँ पे अंदाज़ा मिल जाना चाहिए कि भैया क्वालिटी किस टाइप की। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको Realme 6i का कैमरा किस टाइप का लगा है। चलो मैं आपको एक स्टडी मोड दिया गया वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ ताकि आपको वो भी एक अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। तो गाइस यहाँ पे Realme 6i में अल्ट्रा स्टडी मोड भी दिया गया है, तो मैं आपको फटाफट से एक दौड़ लगा के दिखा देता हूँ कि किस टाइप का आपको फुटेज मिलेगा अगर आप सुपर स्टडी मोड ऑन करके जो है रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो में। ठीक है, तो एक दौड़ लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने दौड़ लगा के आपको दिखा दिया है, अभी मैं नॉर्मल चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आई गेस यहाँ पे अंदाज़ा मिल गया होगा कि अगर आप अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करके रिकॉर्डिंग करते हो तो किस टाइप का मिलने वाला। एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक्सपोज़र जो है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा टाइप नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा देख सकते हो आप कि यहाँ पे आप देख सकते हो कभी कुछ ज़्यादा अंधेरा कर दे रहा तो कभी कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग कर दे रहा। आपको कैसा लग रहा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो गाइस अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो Realme 6i के बैक कैमरा से मैं ले रहा हूँ 48 MP से, और यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो 1080 क्वालिटी में यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, 60 FPS पे यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो किस तरह का आपको कलर वगैरह मिलने वाला है। अब मेरे घर की तरफ भैया यही सब है तो मैं आपको यही सब दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल जाएगा, लेकिन वीडियो में लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। थोड़ा मैं जूम एक्स करके भी दिखा देता हूँ तो आप देख लो, जूम एक्स करने से क्वालिटी यहाँ पे फट रहा है ना, लेकिन कलर की बात करें तो ठीक है लेकिन बेस्ट नहीं बोल सकते हैं एक लिहाज से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि Realme 6i का बैक कैमरा किस टाइप आपको लगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको सारे सैंपल्स दिखा दिए हर एक लाइटिंग कंडीशन में, फिर चाहे वो वाइड एंगल का हो, रात का हो, दिन का हो, सुबह का हो, पोर्ट्रेट हो, सेल्फी हो, हर कुछ दिखा दिया वीडियो वगैरह के साथ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि Realme 6i का कैमरा किस टाइप का, क्या हमें इसे कैमरा के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सीधे लफ्जों में बता दूं कि नो है। इसलिए नो है भैया कि इसका अभी कैमरा में बहुत ही ज्यादा बग, मुझे ऐसा लगता है भैया कि एक्सपोजर ऑटोमेटिक कंट्रोल ये सही तरीके से नहीं कर रहा, कुछ ज्यादा ओवर एक्सपोज कभी कर दे रहा है तो कभी कुछ ज्यादा यहाँ पे नीचे की तरफ कर दे रहा है, बोले तो फोटो को कुछ ज्यादा ब्लैक कर दे रहा है जैसे कि आपने सैंपल में देखा। डिटेलिंग के बारे में अगर हम बात करें Realme 6i के कैमरा के बारे में बात करें तो अगर आपका लाइटिंग अच्छा खासा है तो वहां पे डिटेलिंग आ जाएगा, लेकिन नजदीक का जो ऑब्जेक्ट आप जितना भी लोगे उसका डिटेलिंग काफी अच्छा आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एरिया जैसे सीनरी वगैरह का कैप्चर कर रहे हो तो उतना बेहतरीन डिटेलिंग नहीं आएगा क्योंकि 48 MP दिया गया है। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि यहां पर Realme 6i के कैमरा को और भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो कि यहां पे चेंज हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। चलो Realme में हम लोगों की बात जल्दी सुन ले और चीज को रिजॉल्व कर दे, लेकिन एज अ स्टार्ट यहां पे कैमरा मुझे कुछ खास तो नहीं लगा। ओके आप बोल सकते हो। साथ ही साथ एक चीज मैं और बता दूं आपको कि प्लीज डोंट बाई द 15,000 वाला वेरियंट, वो इसलिए कि ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, 13,000 और 15,000 वाला में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ रैम का अंदर है, कैमरा भी सेम है, अगर कैमरा थोड़ा सा बढ़ा के मिलता तो हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 13,000 के हिसाब से आप
कैमरा के लिए ओके ओके बोल सकते हो यार। देखो जो जेन्युइन बात है वो मैं आपको बोलूंगा, ऐसे नहीं कि भाई बढ़ा चढ़ा के बोल दूंगा कल के जाके आप फोन लोगे और फिर आके बोलोगे कि भैया है ना। तो मेरे हिसाब से कैमरा मुझे ओके ओके लगा, उतना खास नहीं लगा है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज, आपको कैसा लगा क्वालिटी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो क्वायरीज हो तो कमेंट में जरूर बताओ, 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ गेम वाला वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, गेमिंग इसमें किस तरह से आपको चलेगा, क्योंकि इसमें हीलियो G90 प्रोसेसर दिया गया है। अनबॉक्सिंग देखना है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लेना। मैं मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए।